नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। टोक्यो में झंडा बुलंद कर झारखंड पहुंची बेटियां, खेल मंत्री ने किया स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और झारखंड की दोनों बेटियां सलीमा टेटे और निकी प्रधान झारखंड पहुंच गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने उनका स्वागत भी किया। वहीं एयरपोर्ट पर एक ऐसा भी पल आया जब सलीमा टेटे की माँ उन्हें गले लगाते वक्त भावुक हो गई। झारखंड सरकार निकी प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए के साथ लैपटॉप, स्कूटी और मोबाइल भी दी। 3000 स्क्वायर फीट में घर भी बनवाएगी। झारखंड पहुंचते ही राज्य की ओलंपियन बेटियों पर सौगात की बरसात शुरू हो गई। झारखंड सरकार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपये का चेक दिया गया। इसके अलावा इन्हें एक स्कूटी, एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन भी दिया गया। प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों के लिए पक्का का घर बनवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह घर इनकी पसंद की जगह और इनके मनमाफिक डिजाइन का बनवाया जाएगा। 3000 स्क्वायर फीट में मकान तैयार किया जाएगा। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। जामताड़ा के जिला कृषि पदाधिकारी सड़क हादसे में जख्मी। गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। स्थानीय लोगों की मदद से भेजे गए अस्पताल। जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया बुधवार को गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर सड़क हादसे में जख्मी हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। बताया जाता है कि सबन गुड़िया खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे। इसी बीच कोयले से लदी साइकिल को बचाने के दौरान स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। आप सबको बता दूं कि जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया दुमका से जमताड़ा आ रहे थे। जैसे ही वो बिंदा पाथर थाना क्षेत्र स्थित काला पाथर के पास पहुंचे, उनके सामने कोयला लदी साइकिल आ गई। उसे बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़ ने एम्बुलेंस को बुला जामताड़ा सदर अस्पताल पहुंचाया। आप सबको बता दूं कि सबन गुड़िया के सिर पर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में फिर से डराने लगा है कोरोना। 23 दिन बाद 24 घंटे में 17 नए संक्रमित मिले। एक्सपर्ट ने कहा, इसे तीसरी लहर का संकेत समझ सकते हैं। रांची में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या डराने लगा है। पिछले 20 दिनों से औसतन रोज 5 नए मरीज मिलने का आंकड़ा 23 दिन बाद अचानक मंगलवार को 17 मरीज पर पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची में मात्र 8 मरीज ही ठीक हुए। इसके साथ ही केवल रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 60 हो गई। रिम्स के टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा, लंबे समय के बाद एक साथ 17 पॉजिटिव मामला मिलना गंभीर बात है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह तीसरी लहर है, लेकिन जिस तरह दूसरे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, उससे इसे तीसरी लहर का संकेत समझा जा सकता है। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। इसमें अकेले रांची के 17 है। इसके अलावा बोकारो, धनबाद, कोडरमा, पाकुड़ में 2-2 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 28 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इस दौरान राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक राज्य में मंगलवार तक एक्टिव मरीजों की संख्या 208 थी। झमाझम बारिश से बेबस झारखंड, अगले 4 दिन ऐसा ही सक्रिय रहेगा मानसून। झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश ने लोगों की जिंदगी में आफत ला दी है। लगातार बारिश की वजह से राज्य के कई शहरों और गांव में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अगले 4 दिनों तक मानसून ऐसा ही सक्रिय रहेगा। भारी बारिश की वजह से साहिबगंज जिले से होकर गुजरने वाली गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा असर राजमहल, उधवा और बरहरवा प्रखंड में देखा जा रहा है। वहीं अंचल से जुड़े सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी दक्षिण की ओर केंद्रित हो गया है, लिहाजा झारखंड में 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, झारखंड में जल्द लागू होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। राज्य में जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। 4 राज्यों से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की फाइल मंगाई गई है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें कुछ संशोधन के साथ इस एक्ट को लागू किया जाएगा। उक्त बातें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही। वे झारखंड ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से वैश्विक महामारी के दौरान अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेत्र चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पूरे समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से
आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यहां के डॉक्टर पर हमले होंगे तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होगा, इसे लेकर एक बार फिर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब जब तक चुनाव नहीं होंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड परिषदों का अधिकार बना रहेगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव साल 2020 के दिसंबर महीने में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण पंचायत चुनाव स्थगित करा दिया गया है। इसके बाद पहले 6 महीने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया गया, अब अगले आदेश तक के लिए अधिकार को फिर से बढ़ा दिया गया है। आप सबको बता दूं कि दिसंबर 2021 के अंत तक चुनाव कराने का दावा किया गया है। पर है झारखंड के गोड्डा से, सावन बाद झारखंड की राजधानी से कनेक्ट होगा गोड्डा, रांची भागलपुर के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। सावन खत्म होने के बाद कई ट्रेन पटरी पर लौट सकती है, इनमें वाया धनबाद चलने वाले रांची देवघर इंटरसिटी और रांची भागलपुर एक्सप्रेस शामिल है। सावन महीने में बाबा नगरी देवघर में भीड़ ना बढ़ जाए, इसके मद्देनजर रांची देवघर इंटरसिटी को रोका गया है। इसके साथ ही रांची से जसीडीह होकर भागलपुर जाने वाले ट्रेन के चलने को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है। इन दोनों ट्रेनों को पटरी पर लाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे में परिचालन से जुड़े विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। झारखंड की राजधानी रांची को संथाल के गोड्डा को रेल सेवा से जोड़ने का प्लान है। गोड्डा में इसी साल रेलवे स्टेशन बना है, अभी तक यहां से राजधानी रांची के लिए कोई ट्रेन नहीं है। वहीं दूसरी ओर रांची से बोकारो धनबाद और जसीडीह होकर चलने वाले रांची भागलपुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने की योजना बन रही है। रेलवे के विभागीय सूत्रों का कहना है कि जोनल रेलवे ने रांची भागलपुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव रेल बोर्ड को दिया है। बोर्ड की मंजूरी की मोहर लगने के बाद इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस ट्रेन को भी सावन के बाद ही पटरी पर उतारा जाएगा। झारखंड में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं होगी टेंशन, प्रधानाध्यापकों के कंधों पर होगी जिम्मेदारी। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन बिना जन्म प्रमाण पत्र का लिया गया है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। विभाग द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रावधान के अनुरूप राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले 100% विद्यार्थियों की जन्मतिथि का निबंधन होना अनिवार्य है। ऐसे में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें। जिन बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, उनकी पूरी जानकारी निबंधन को उपलब्ध कराने को कहा गया है। खबर है झारखंड के दुमका से, गुणवत्ता के साथ समय पर पूरी कराए विकास योजना, डीसी ने कहा। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय विकास योजना की समीक्षा की बैठक की। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न योजना के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के बाद कई निर्देश दिए। कहा कि योजनाओं को ससमय गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं। कोरोना महामारी के कारण यदि कार्य प्रभावित हुआ है तो उसकी सूचना पूर्णता प्रमाण के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। मौके पर उपायुक्त ने विभिन्न विभागों, भवन प्रमंडल, भूमि संरक्षण, कृषि विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पशुपालन विभाग, जल पथ प्रमंडल समेत अन्य विभाग के पदाधिकारी से संचालित योजना की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। कहा कि योजना स्थल का भ्रमण कर गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाए। खबर है झारखंड के पाकुड़ से, पाकुड़ के पत्थर खदान में छापेमारी, विस्फोटक बरामद। छापेमारी टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर खदान में छापेमारी की गई। विस्फोटक को ढूंढने के लिए खदान की तलाशी ली गई। इस दौरान देखा गया जमीन के अंदर अवैध तरीके से विस्फोटक छिपाकर रखा गया है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि उक्त खदान में बरहरवा निवासी दिलीप कुमार शाह और बंगाल के फरक्का निवासी प्रशांत घोष अवैध रूप से पत्थर खनन कार्य कर रहे थे। थाना प्रभारी मदन कुमार ने बताया कि विस्फोटक जब्त मामले में दिलीप कुमार शाह और प्रशांत घोष के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार विमल ने इस मामले को लेकर दोषियों पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी, इसमें संलिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर है झारखंड के देवघर से, तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है बैद्यनाथ धाम, यहीं गिरा था माता सती का हृदय। 2 साल से कोरोना की वजह से देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मंदिर में सिर्फ सरकारी पूजा हो रही है। मेले का आयोजन नहीं होने से यहां सन्नाटा पसरा है। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम को तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती का हृदय इसी भूमि पर गिरा था, इस वजह से देवघर को हृदय स्थली के नाम से भी जाना जाता है।
पन्ना लाल मित्रा पांडा ने बताया कि प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री माता सती के पति भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किए जाने से वह काफ़ी दुखी थी। माता सती पिता द्वारा शिव के अपमान को सह ना पाई और अपने शरीर को यज्ञ कुंड के हवाले कर दिया। जब इसकी खबर भगवान शिव को लगी तो वे क्रोधित होकर राजा दक्ष के यहाँ पहुँची और त्रिशूल से राजा दक्ष के सिर को अग्नि के हवाले कर दिया। माता सती के वियोग को क्रोधित शिव ने सती के शरीर को कंधे पर लेकर तीनों लोकों में प्रलय मचा दिया। यह देख सभी देवता सृष्टि के विनाश से भयभीत होकर भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे और सृष्टि बचाने के साथ शिव के क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु शिव के आराध्य हैं और भगवान शिव विष्णु के आराध्य हैं। यही कारण है कि सभी देवताओं ने विष्णु से सृष्टि को बचाने की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े किए जो कई जगहों पर गिरा। जहाँ जहाँ यह टुकड़ा गिरा यह शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। पंडा महाराजा ने बताया कि माता सती के शरीर के सभी हिस्से सुदर्शन चक्र से काट दिए गए, लेकिन शिव के कंधे पर माता सती के हृदय को काटना संभव नहीं था क्योंकि माता सती के हृदय में भगवान शिव बसते थे। यही वजह है कि माता का हृदय देवघर में गिरा और यह स्थल हृदय पीठ के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि रावण द्वारा कैलाश से लाए गए शिव ज्योतिर्लिंग इसी माता सती के हृदय पर स्थापित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।